स्पाइनल कॉर्ड्स की दो स्लाइड्स हैं, एक 4x और एक 10x वाली स्लाइड है, ठीक है ना। ये स्पाइनल कॉर्ड की स्लाइड है, किस एक्स पे है ये? 10x? 10x पे। 10x पे ज़रा इसको लेफ्ट राइट मूव करना, सारी रिकॉर्ड हो जाए। 10x की स्पाइनल कॉर्ड की स्लाइड है ये पूरी, ऊपर नीचे, ऊपर भी ले जाना, वो उधर से होगा ऊपर। यस, ये 10x की स्लाइड है। अब दूसरी स्लाइड पे जाएंगे, वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की 4x की स्लाइड होगी। ये दो स्लाइड्स हैं जो ब्लॉक में मॉड्यूल 6 में आ सकते हैं। ओहो, पता लग ही जाता है। ये हमारे पास दूसरी वर्जन की स्लाइड होगी। एक ही स्लाइड के दो मैग्निफिकेशन पावर्स हैं 4x में, आई थिंक सो, उनमें से कोई एक होगा। ये हमारे पास इधर ब्लॉक 6 कवर हो गया, फर्स्ट वन स्लाइड टू वर्जन। ये वाली दिखे या ये वाली? मैम जिसमें जो ज्यादा वर्जन है। नहीं मैम, अगली वाली सही। नहीं मैम, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। चलिए ये देख, ठीक है। तो ये कौन सी स्लाइड है? स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की सबसे पहले देखोगे तो देखते क्या नजर आ रहा है? ग्रे हॉर्न कैनाल, ठीक है। एक चीज सेंट्रल कैनाल और दूसरी चीज क्या नजर आ रहा है? फॉरन बटरफ्लाई शेप या एल शेप, क्या है? ग्रे मैटर, ठीक है, जो क्या थोड़ा डार्कली स्टेंड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाइट मैटर वो क्या थोड़ा लाइटली स्टेंड है, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको जूम करोगे ना, जो इस वाली स्लाइड, इस वाले माइक्रोस्कोप में लगी इसकी पिक्चर नहीं है, ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर काइट शेप न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं बड़े प्यारे से, देखो पर्पल कलर के, ठीक है, बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं। इसको भी गौर से देखो, ठीक है, प्रॉपर जिस तरह न्यूरॉन्स की शेप होती है ना, उस टाइप के नजर आ रहे हैं। इस वाली स्लाइड काइट शेप बताया कि वो सेल्स की अरेंजमेंट है, सेल ऐसे होते हैं दिखते इस तरह, ठीक है। काइट पर बताओ, नहीं आ रहा ये बताओ, जो ग्रे मैटर के अंदर है स्लाइड, वैसे हिल जाएगी स्लाइड, वो हिलाओ हटो। ये सारे, हाँ ये देखो, ये सारे जो है ना, ये सारे जो डार्क पर्पल है, ठीक है, ये सारे न्यूरॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें होते हैं ग्रे मैटर में, ठीक है। अब आ जाओ व्हाइट मैटर, अच्छा मैम, डार्क पर्पल वाले ना, डार्क पर्पल, ठीक है, सारे न्यूरॉन्स। आप पहले कुछ और कह रहे थे, वो व्हाइट मैटर के थोड़ा सा लाइट स्टेंड है, ठीक है, और व्हाइट मैटर के अंदर ये गोल गोल से क्या पड़े हुए सारे, ठीक है, एक्सॉन्स है, ठीक है, वो अनमाइलिनेटेड और माइलिनेटेड सारे मिक्स हुए हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा एक्सॉन है, ठीक है। तो सारी चीज़ होगी, और हाँ ये वाली चीज़ ये क्या है, ये इंटीरियर साइड पे क्या पड़ा हुआ है? फिशर, फिशर, इंटीरियर, और एक ऊपर की तरफ सल्कस होता है, वो उसमें पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, इंटीरियर पोर्शन के अंदर चले गया, ये देखो नीचे वाले हॉर्न छोटे हैं, पूरा सा एक फिशर नजर आ रहा है, ठीक है, पूरी बड़ा प्यारा। अगर आप ग्रे मैटर के अकॉर्डिंग तो नीचे वाला छोटा है ग्रे मैटर का हॉर्न, ऊपर लंबा है, मैं वो बुक में भी लिखा था, हॉर्न के लिहाज से, ठीक है, जो ऊपर जो है ना पोस्टीरियर हॉर्न है वो थोड़े से टैपरिंग है, टैपरिंग है, ठीक है, अंदर की तरफ बड़े भी थोड़े देखे, ठीक है, बड़े हैं लेकिन थोड़े से वो कैसे बताऊं, थोड़े से नैरो टैपरिंग है, ठीक है, वो जो इंटीरियर है ना वो पीछे से ब्रॉड है, ठीक है, तो पोस्टीरियर इंटीरियर, तो इंटीरियर साइड पे क्या होगा? इंटीरियर मीडियन फिशर, और ऊपर क्या होगा? सल्कस। मैं भी कवर हो गया फुल, हां बस मैं पहले इसका आईडी पॉइंट सेंट्रल के नाम लिख लेंगे, दूसरा बटरफ्लाई शेप लिख, बटरफ्लाई क्या? बटरफ्लाई शेप, ग्रे मैटर, बटरफ्लाई शेप, ग्रे मैटर, बटरफ्लाई शेप, ग्रे मैटर, चलिए एक। अच्छा मैम, ये दूसरा आईडी पॉइंट हो गया, तीसरा व्हाइट मैटर, समझाने के लिए बताया प्रॉपर न्यूरॉन्स, ठीक है, और ये क्या सारा व्हाइट मैटर जो एक्सॉन्स है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये वाली चीज है ना, इसी को मैंने थोड़ा सा मूव किया है, तो इसकी तीनों कवरिंग्स नजर आ रही है, ठीक है, ये बाहर वाली कौन सी है? ड्यूरा, ये एरेकोनॉइड, जो व्हाइट मैटर के साथ अटैच है वो कौन सी है? एरेकोनॉइड स्पेस है, ये देखो, ये बाहर ड्यूरा, ये एरेकोनॉइड, ये पाया, और बीच में सब एरेकोनॉइड। अच्छा, तो दो स्लाइड्स आ जाओगी, एक स्पाइनल कॉर्ड की, एक स्पाइनल कॉर्ड की दो वर्जन, 4x 10x।